नमस्ते, मैं शशि वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मम्मी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का रायता। आइए शुरू करते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए अब हम सबसे पहले लौकी को छील लेते हैं। अब कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को मैंने किस लिया है, ये मोटे साइज का किसा हुआ है। रायता बनाने के लिए अब हम लौकी को उबालेंगे। कुकर में इसलिए उबाल रहे हैं ताकि ये जल्दी से उबल जाए। आधी से भी कम चम्मच में नमक डाल रही हूँ। इससे क्या है, पंचीला नहीं लगेगा, इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। एक सीटी आने तक इसको पकाना है। जब तक एक सीटी आ रही है, इसके दौरान मैं दही को मिक्सर में फेंट लेती हूँ। रायता तो आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने तो आधा केजी दही लिया है। लौकी भी आधा केजी लें क्योंकि उबलने पे वो जरा सी रह जाती है। दही को फेंट लेती हूँ मिक्सर में। इसको ढक्कन को खोल लेते हैं। मैंने फेंट लिया था दही, देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब ये सीटी निकलने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो रख देते हैं साइड में। रायते के लिए मैं जीरा पीस रही हूँ और इसमें 6-7 काली मिर्ची डाली है। इसको कुचल लेती हूँ। ये भुना हुआ जीरा मसाला है, इसको थोड़ा सा छान लेते हैं। जो मोटा होएगा ना तो वो पूरा निकल जाएगा। इस तरह से मिक्सी में चला लिया था, अच्छे से पतला हो गया है। 1 कप पानी डाला है। 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, अपनी फैमिली के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब मैं इसी में ये जीरा पाउडर इसी में डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला भुना हुआ। आधी चम्मच में हरी मिर्ची डाल रही हूँ। 1 चम्मच पत्ती डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच रायता मसाला डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसको आप मिला लेते हैं। ये रायता बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार इसको बना के देखिए। अभी तैयार हो गया है, इसको गरम करने के लिए रख देती हूँ। ये सबसे स्पेशल है, इसका तड़का लगाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से लौकी के रायते में तड़का लगाते हैं। ये अभी तक आपने इस तरह का रायता में तड़का नहीं लगाया होगा। दिए को लाल होने देते हैं। अब हम इसके दौरान लौकी को देख लेते हैं। इसका प्रेशर निकल गया है पूरा, देखिए कितने अच्छे से उबल गई है। डाल लेती हूँ इसका, इस तरह से पूरा पानी निकाल देना है। अब इसको मैं एक प्लेट में फैला देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। वो ठंडा अच्छी तरह से कर लेना है क्योंकि अभी निचोड़ के इसका पूरा पानी मैं निकालूंगी। देखिए दिया अच्छे से गर्म हो रहा है। ये हमारी मम्मी का तरीका है। जैसे ठंडा हो गया है, अब मैं इसको निचोड़ लेती हूँ। निचोड़ के पूरा पानी इसको निकाल देना है। इस तरह से लौकी को निचोड़ लिया है और अच्छे से पानी पूरा निकाल दिया है। अब मैं इसी रायते में डाल देती हूँ। मिला दिया है और लौकी का रायता सबसे अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरह से बनाइए। मैं आप सबसे स्पेशल आपको दिखा रही हूँ तड़का लगाना, कि तड़का किस तरह से लगाते हैं। अच्छे से गर्म हो गया है। 1 चम्मच इसमें तेल डालूंगी। मैं जीरा डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है। 1 चम्मच सरसों के दाने डाले। इससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इस तरह से लगाएं। 1 चुटकी हींग डाल रही हूँ। बच्चे इसको ट्राई ना करें क्योंकि ये जलने का डर रहता है इससे। अगर हमारे तरीके से आप तड़का लगाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा। यह पूरा डाल दिया है, में धुआं भरा हुआ है, खुशबू निकल जाएगी इसलिए मैंने ढक दिया है। ये दिया जो डाला था निकाल लेती हूँ। आप इस तरह का तड़का लगाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्या खुशबू आ रही है, रायता में जो तड़का लगाया है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो जिसको आएगी तो वो आपके घर जरूर आएगा पूछने कि ये किस चीज़ का तड़का लगाया है जो खुशबू बाहर तक आ रही है। सर्व करती हूँ। गार्निश कर देते हैं धनिया पत्ती से।
ये देखिए मैंने लौकी का रायता बहुत अच्छे तरीके से बना के आपको दिखाया है। आप इस तरह से लौकी का रायता बनाएंगे और खाएंगे और सबको खिलाएंगे तो आपकी ही तारीफ होगी। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आने वाला वीडियो देखते रहिए और पिछला वीडियो भी देखते रहिए। थैंक यू।